हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर के बारे में। गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर के बारे में हम देख चुके हैं। वेव थियोरी क्या कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, कि वेव थियोरी के हिसाब से ये जो रेडिएशंस है ये कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करती है, ये एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट करती है। और इसी वेव थियोरी के हिसाब से डाइफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर पाए हैं। लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से देखो कंटिन्यूस एनर्जी आ रही है, तो इस तरीके से वेव की फॉर्म में कंटिन्यूस आ रही है, तो इसी से हमने डाइफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमने एक्सप्लेन किया। लेकिन इसी वेव थ्योरी के हिसाब से हम फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला फिनोमिना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इस तरीके से पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाए थे। सो गाइस देखते हैं आज के इस वीडियो में कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें भी अपन ने क्या पढ़ना है, एक फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको कि हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए लेकिन रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर से इन दोनों फिनोमिनास को हम एक्सप्लेन कर पाए थे। सो गाइस आज की इस वीडियो में देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। Phenomena of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. So guys, यहाँ पर क्या था photoelectric effect में, एक ये हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हम photoelectric effect को समझ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, एक ये इवेक्यूएटेड चैम्बर लिया था, इस चैम्बर में फिर ये मेटल का सरफेस लगाया था, हमने कोई भी मेटल का सरफेस लिया और मेटल भी हमने ये लिए सीजियम रुबेडियम या फिर पोटेशियम, ये वाले मेटल्स ले रखे हैं। और फिर इसी मेटल को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से, और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा रखा है, यहाँ पर सीरीज में ही एमीटर लगाया है, फिर इसको हमने डिटेक्टर को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। सो गाइज अब देखो ये अपने पास है मेटल, और अब क्या है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में, इस मेटल के सरफेस के ऊपर जैसे ही किसी सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ेगी, ये भी ध्यान देना है गाइस लाइट कैसी है, किसी सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है और मेटल के ऊपर लाइट के पड़ते ही अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, मेटल ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन का मेटल का लाइट का मेटल के ऊपर पड़ना और लाइट के पड़ने की वजह से मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इसी इफेक्ट को हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये अपने को पता कैसे चला था, यहाँ हमने डिटेक्टर लगा रखा है, यहाँ डिटेक्टर से अपने को मालूम पड़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इन्हीं एमिटेड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इन्हीं एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला है गाइस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है, सिर्फ मेटल के ऊपर सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली है, लाइट डालते ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इसी पूरे प्रोसेस को बोला है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। सो गाइस यहाँ जो मेटल लिया है ना, ये हमने सीजियम रुबिडियम या पोटेशियम का इस तरीके के मेटल लेने हैं जिन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होना चाहिए, मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होना चाहिए ताकि सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ने पे वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन हम निकाल भी पाए। तो इसलिए मेटल में से जो मेटल के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड होने चाहिए, इसमें हमने ऐसे ही मेटल्स ले रखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में। सो गाइस आगे देखते हैं इनमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या आपने को मिली है इस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है देर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइज यहाँ पर एक मेटल था, मेटल पे हमने क्या किया था लाइट डाली थी, लाइट के डालते ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। सो गाइज लाइट के डालने में लाइट जैसे ही स्ट्राइक किया मेटल को बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं लाइट के डालने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है। नेक्स्ट है फॉर ईच मेटल सेट ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। सो गाइस हर मेटल के लिए अपनी अलग से कुछ फ्रिक्वेंसी है, ये मेटल है सपोज कोई भी मेटल है, इस पर हमने लाइट डाली है और इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये कहानी है। सो गाइस हर मेटल की अपनी कुछ अलग अलग फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, हर मेटल को अपनी कुछ अलग अलग फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए। सो गाइस देखो मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट तो चाहिए ही चाहिए, इससे भी कम जिसको कि हमने बोला गाइस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज को बोला है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यूज से भी दिखाते हैं. मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हमने बोला है गाइस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर आपने मेटल पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट डाल दी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की भी लाइट डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलेंगे. मतलब हर मेटल के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है अपनी अपनी, कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो जरूरी है. अगर इससे भी कम हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हमने इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे. और इसी को हमने बोला है गाइस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही न्यूमेरिकल्स में जब सोल्व करेंगे, इसी को फिर हमने वर्क फंक्शन भी कह दिया है, वर्क फंक्शन. और ये हर मेटल के लिए अपना अलग अलग होता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते. नेक्स्ट है गाइस, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो काइनेटिक एनर्जी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. हमने कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली है मेटल पे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमने मेटल पे डाली है, उनकी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल कितने रहे हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्रॉम मेटल सरफेस, ये इंटेंसिटी और ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है. कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं गाइस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे. ध्यान रखना, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा निकलेंगे. ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा होंगे जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इस लाइट की. और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. काइनेटिक एनर्जी का इस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, पड़ने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है. और काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं. ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करके इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं. सो गाइज, ये थी ऑब्जर्वेशन. इसमें इसी चीज़ को एक ग्राफ से देखते हैं हम. काइनेटिक ग्राफ हमने बनाया गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी को लेके. सो गाइज, हमने यही देखा है कि मेटल है, मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. और जिस इसी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की जो है लाइट पड़ रही है, उसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कितनी ज़्यादा एनर्जी की हैं. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा ये लाइट पे पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी. सो गाइज, यहीं से जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. अब देखो गाइज, ये जो न्यू जीरो करके लिख रखा है, ये अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास कहने का मतलब कि किसी भी मेटल सरफेस का अपना अपना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. सपोज करो उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पे तो कोई भी मेटल है इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगा. तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए हर मेटल को इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए. इसलिए हमने इसको यहाँ से दिखाया है, न्यू जीरो यहाँ से दिखाया कि इतनी एनर्जी तो चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए. इसलिए हमने ग्राफ को यहाँ से बनाया कि इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इससे कम की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे. सो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे ही काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा निकलने वाली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी. अब हमने देखा गाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. तो हम यही बोल सकते हैं कि जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी पे तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं कर रही. तो जितनी कितनी भी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी. कितनी भी यहाँ पर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है लाइट की, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम ही रहेगी. इसको एक फैक्ट से भी हम समझ सकते हैं कि सपोज अपने पास ना एक पोटेशियम का मेटल सरफेस है, पोटेशियम का मेटल सरफेस है, हमने मेटल ले लिया पोटेशियम का, और इसका जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इसकी 5 × 10^14 पर सेकेंड है. इसकी ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. सो गाइस, इससे कम की फ्रीक्वेंसी होगी
जिस भी मेटल की, तो फिर वो जिस भी लाइट की इससे कम की फ्रीक्वेंसी होगी, ये पोटेशियम का मेटल है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है, अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट डाल दोगे या इसके बराबर की लाइट डाल दोगे तो ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। एग्जांपल देख लेते हैं, हमने रेड लाइट डाली है पोटेशियम के सरफेस पे, तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी अभी 4.3 से 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, और ये जो रेड लाइट है ना अभी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस की है, रेड लाइट बहुत ज्यादा ब्राइटनेस की है, इंटेंसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा है, भले इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जितनी चाहिए, पोटेशियम को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कितनी, 5 × 10⁴, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेड लाइट की वो तो कम है, 4.3 से 4.6 × 10⁴, तो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो कम है ना इसकी रेडिएशन, तो चाहे इसकी ब्राइटनेस कितनी भी हो, इंटेंसिटी कितनी भी हो, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी इसकी कम है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगा। ये रेड लाइट पोटेशियम पे अगर पड़ेगी तो पोटेशियम मेटल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगा, चाहे रेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि जो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगा। ऐसे ही हमने क्या किया, इसी पोटेशियम के सरफेस पे ना येलो लाइट लगी है, इसको हमने येलो लाइट डाली है, इसी पोटेशियम के सरफेस पे हमने ना येलो लाइट डाल के देखी है, तो येलो लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 से 5.2 × 10⁴ पर सेकेंड की है, तो इसे येलो लाइट भले वीक इंटेंसिटी की भी क्यों नहीं है, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी ही कम क्यों नहीं है, बहुत ही कम अगर उसकी इंटेंसिटी है, लेकिन फिर भी इसने येलो लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इसकी जो फ्रीक्वेंसी है येलो लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लगभग ज़्यादा है, मतलब 5.15 से ज़्यादा हो गया ना, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या फिर उसके बराबर की है, तो इसलिए येलो लाइट जो है पढ़ते ही इस मेटल के पोटेशियम मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रही है, चाहे वो वीक इंटेंसिटी का ही क्यों नहीं। सो गाइस, इसी फैक्ट से पता लगता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। गाइस, अगर हमने मेटल के सरफेस पे ये लाइट डाली है और सपोज करो ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो खाली थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की हमने लाइट डाल दी, तो बाकी की एनर्जी कहाँ यूज होगी, बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमने लाइट डाली है ना ये न्यू फ्रीक्वेंसी की, उसकी एनर्जी ये बराबर होगी, मतलब एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स ये बराबर होगा वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी के, जिसको कि हमने न्यू नोट करके बोला है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट बोला है, और साथ में वो एनर्जी फिर और जो बाकी की एनर्जी रह जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगी। मतलब कि कुछ हमने फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की एनर्जी डाल दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, आप ऐसा समझो कि एनर्जी को इस एनर्जी की तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में हम कैसे देखेंगे, इक्वल टू होता है अपने पास एच न्यू के बराबर, इसको हम आगे देखेंगे गाइस, प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से देखेंगे कि एनर्जी एच न्यू के बराबर भी होती है। तो अगर मान लो हमने इस पे जो एनर्जी डाली है, फ्रीक्वेंसी हो या फिर एनर्जी भी बोल सकते हो, मेटल सरफेस पे जो भी हमने लाइट डाली है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी से ज़्यादा है, तो थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी से ज़्यादा है तो मतलब थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी तो यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये एनर्जी यूज़ हुई है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बाकी की एनर्जी जो बच गई है वो किस लिए यूज़ हुई है, वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हुई है, इसलिए हमने लिखा है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स, जिसको कि हमने एच न्यू करके बोला है, इसमें से कुछ एक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में काम आ गई, वो है गाइस थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हमने एच न्यू जीरो करके लिख दिया है, और बाकी की एनर्जी जो रही वो किस काम आई, काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो 12mv². सो गाइस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पोटेशियम मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कराई है। सो गाइस देखो, पोटेशियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी, देखो 10 की पावर 14 और यहाँ 10 की पावर 15, तो इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हमने डाली है, और डालते ही अपने को पता है ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो एनर्जी बच जाएगी वो फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगी। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि हमने सपोज इतनी फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंसी की, ये न्यू जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना अभी
एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस का हाफ एम वी स्क्वेयर। आप ये बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी हमने कितनी डाली है, 1.6 मल्टीप्लाई 10^15 पर सेकेंड की। और गाइस क्वेश्चन में ही ना प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये एच एच की वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है 6.63 मल्टीप्लाई 10^30 माइनस का 34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इसको आगे देखोगे अभी ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट एच। सो गाइस देखो यहाँ पर ये h की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमने पुट कर दी 6.63 मल्टीप्लाई 10^ माइनस का 34 राइट। तो ये इतनी एनर्जी हमने डाली है पोटेशियम के सरफेस पे राइट, इतनी एनर्जी डाली है। तो ये सारी की सारी एनर्जी, इस पूरी एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो किस लिए यूज होगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में यूज हो गई। मतलब कितनी एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, न्यू जीरो लिख दो, इतनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन्स को डालने में यूज की है, ये जूल सेकेंड और ये है पर सेकेंड। इस पूरी एनर्जी में से इतनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में यूज की है, तो बाकी की एनर्जी जो बच गई वो किस लिए यूज हुई, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगी राइट। तो गाइज यहाँ आपने को यही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो या फिर काइनेटिक एनर्जी लिख लो, एक ही बात है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जब भी निकालोगे तो ये हो जाएगा 6.63 मल्टीप्लाई 10^ माइनस का 34 जूल सेकंड। इसको फिर आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10^15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10^14 पर सेकंड। तो सेकंड से ये पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 6.63 मल्टीप्लाई 10^ माइनस का 34, इसकी भी मल्टीप्लाई होगी फिर 11 मल्टीप्लाई 10^14 से। तो इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई 10^-19 जूल।